नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। आज बात बहुत गहरे मुद्दे की है, क्योंकि मैं अपने युवा नजरिए से अगर सोचूं तो उन तमाम भारत के युवाओं के बारे में मैं आकलन कर सकता हूं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। आपने देखा होगा कि 2 अप्रैल यानी कि वो ऐसा काला दिन जिस दिन हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में हमारे जैसे ही युवा, दलित युवा, हिंदुस्तान को जला रहे थे, हिंदुस्तान के शहरों में आग लगा रहे थे। हालांकि किसी के घर का क्या जाता है, अगर कोई व्यक्ति हिंसा पर उतारू हो जाता है, क्योंकि शायद उस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा होगा कि आखिर मुझे इस तरीके से करने से मिल क्या जाएगा। हम अगर किसी के बहकावे में आकर के हाथों में हथियार ले लेते हैं, हाथों में लाठी डंडे ले लेते हैं और चौराहों पर जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हमारा हक हमें चाहिए, किस हक की बात कर रहे हैं भाई साहब, आप ये समझाइए। आप उस भारत में रहते हैं जहां एकता और भाषाओं का मेल जोल हमारे हिंदुस्तान की जुबान पर हमेशा रहता है और हर हिंदुस्तानी को एक गर्व रहता है कि मैं उस भारत में रहता हूं जहां गंगा जमुनी क्या तहजीब है, जहां अनेकों भाषाओं से ओतप्रोत भारत एक सूत्रीय गांठ में बंधा हुआ है। हमने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिस चीज को लेकर हमें बलगलाया जाता है हमारे हक को लड़ने के लिए, हमारा हक क्या है। हमारा हक वही है जो हम मेहनत करते हैं और मेहनत से जो हम उपार्जित करते हैं धन, वही हमारा हक है। हम घर पर बैठ करके ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमारा ये हक है, लेकिन वो भी इन सारी चीज़ों का षड्यंत्र तब उपजता है, ऐसी भावनाएं तब उपजती हैं अगर कोई व्यक्ति किसी के जाति को लेकर के, किसी की बिरादरी को लेकर के, किसी के धर्म को लेकर के कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है जो कहीं ना कहीं अंदर चुभती हैं और तब कहीं ना कहीं हिंसात्मक नज़रिया लोगों के अंदर पैदा होता है। 2 तारीख को हिंदुस्तान के युवा सड़कों पर उतरे, लेकिन उनके जहन में ये नहीं था कि आखिर करना क्या है, हम किस लिए सड़कों पर उतरे हैं, आखिर मुद्दा क्या है, हम किस हक के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिंसा हुई, 8 लोग मारे गए और राजस्थान में, और यहाँ इस दृष्टि से भी अगर राजनीति के दृष्टि से देखेंगे तो लगता है कि राजनीति के ओझेपन को आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। बीजेपी कांग्रेस पर वार करेगी, आरोप लगाएगी दंगों को लेकर के, और कांग्रेस बीजेपी पर आरोपों का कहीं ना कहीं मढ़ेगी, और इसमें सिर्फ राजनीति का ही भला होता है, किसी आम इंसान का भला हो ही नहीं सकता। आप चिल्लाते रहोगे, भोकते रहोगे सड़कों पर, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को और मौजूदा सरकार को वही करना होता है जो वो करना चाहती है। लेकिन वोट बैंक की चिंता इन राजनेताओं को बहुत रहती है। चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव नज़दीक आते ही जुमलेबाजी शुरू हो जाती है राजनेताओं की। ये सिर्फ बीजेपी के ही फितरत में नहीं है, ये हिंदुस्तान की तमाम पार्टियों में मौजूद नेताओं की जुबान में वो फितरत है। जो चुनाव आते ही कहीं ना कहीं उगलने लगते हैं और अब
जो देखा जा रहा है कि ग्वालियर में यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है, और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से दलितों का जो आंदोलन उत्तेजित हुआ और लोग मारे गए, इसमें किसका गया? किसी के घर का एक चिराग बुझ गया होगा, किसी के घर का, किसी के बाप को चोट आई होगी, किसी के माँ को चोट आई होगी, किसी के बहन को चोट आई होगी। लेकिन जो दंगे कर रहे हैं उनको क्या सोच, कभी उन्होंने सोचा है क्या उनका क्या जाता है? अगर आपके घर का कोई चिराग बुझ जाता है तो किस तरीके से तकलीफ होती है आप भी समझ सकते हैं। मातम सा छा जाता है। और ग्वालियर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर तो 8 चिराग बुझे। तो आकलन हमें खुद करना पड़ेगा कि हमें शिक्षा और एक समृद्ध भारत की ओर बढ़ना है, हमें शिक्षा लेकर के एक नव भारत का सृजन करना है, या फिर हाथों में हथियार पकड़ करके रोड पर सिर्फ अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी है। कौन सा हक? सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने अपने हिंदुस्तान के लिए हक लड़ा था, हक के लिए लड़ा था, और गोरों को बाहर किया था। उन्होंने तो कभी अपने आरक्षण के लिए नहीं लड़ा, उन्होंने तो अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ा, वो उनके लिए सर्वोपरि देश था। इसीलिए उन्होंने उन अंग्रेजों के खिलाफ झंडे बुलंद किए थे, स्वर बुलंद किए थे, लेकिन अपने हिंदुस्तान में अपने भाइयों के विरोध में, अपने सरकार के विरोध में, हालांकि सरकार का विरोध करना चाहिए क्योंकि सरकारों की फितरत होती है कि वो जो आपको हक मिलना चाहिए उससे वंचित करते हैं। लेकिन हम एक इंसान हैं, हमें हक दिया गया है समानता का, और उस समानता से अगर हम हिंदुस्तान की प्रगति में सहयोग करते हैं तो समान तरीके से सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती हैं तब इस तरीके के आंदोलन भी होते हैं, लेकिन आंदोलन में सिर्फ शांति भाव से आंदोलन नहीं हो सकता। क्या इसमें किसी के जान लेना, किसी के चोट पहुंचाना, किसी धर्म के प्रति आस्था को उखाड़ना, क्या हमारे स्वभाव में, हमारे हिंदुस्तान के युवाओं में सिर्फ यही रह गया है? हमारे जहन में क्या यही रह गया है? हमें सोचना होगा। एक पल के लिए हम अगर सोचते हैं कि आखिर हमें इससे फायदा क्या मिलने वाला है, हम सरकारों के खिलाफ झंडे बुलंद करना चाहिए, हमें उनके खिलाफ झंडे बुलंद करने चाहिए जिन्होंने लंबी लंबी कोठियों में रहते हैं, एसी के रूम पर बैठ, एसी रूम में बैठ करके और डिसीजन करते हैं कि आखिर किस इलाके में कहाँ वोट बैंक हासिल करना है और किस किस इलाके को बेकूफ बनाना है। उनके घर पर हमला क्यों नहीं बोला जाता है? अगर दुश्मनी आपको सरकार से है तो सरकार के ऊपर हमला बोलिए, आम इंसान को आप क्यों अपना शिकार बनाते हैं? उससे कोई फायदा नहीं। राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो जो नेता है वो अपने एसी रूम में बैठ करके चाय पियेंगे और बयानबाजी करेंगे, और उससे कुछ हासिल नहीं होना। हम हिंदुस्तान के उन युवाओं को नुकसान होगा जो कहीं ना कहीं देश की प्रगति के लिए, विश्व कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, और हम वहीं अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं, आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। हमारे हाथों में किताबें होनी चाहिए, हमारे हाथों में हथगोले और बारूद नहीं होने चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो हथगोले बारूद उन दुश्मनों के लिए होनी चाहिए जो हमारे भारत को क्षति पहुंचाते हैं। तो हमें तय करना होगा कि हमें किस ओर चलना है, हमें भारत को यशस्वी बनाना है या खुद को उस दलदल में फेंकना है जहां हम नहीं जाना चाहते। मध्य प्रदेश उसी बलि का बकरा बनाया गया है जहां आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, और चुनाव के नज़रिए से कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो राजनीतिक लुभावनापन यानी कि राजनीतिक जो षड्यंत्र है वो रच करके कहीं ना कहीं जनता के बीच एक दुर्भावना की एक स्मेल यानी कि जो गंध है वो फैलाना चाहते हैं। इससे हमें बचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता सब जानती है कि आखिर कौन कैसा करता है, लेकिन हम कुछ दिन सोचते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर हम उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को सहयोग दे देते हैं, उनको वोट दे देते हैं जो हमें आपस में लड़ने मरने के लिए मजबूर कर देते हैं।
तो हम इस चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से आपसे यही अपील है कि चाहे भले शिवराज सिंह की सरकार हो या ना हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या ना हो, चाहे वसुंधरा राजे की सरकार हो या ना हो, प्रधानमंत्री मोदी पीएम रहे या ना रहे, लेकिन हमारा देश रहना चाहिए और ग्वालियर जैसे एमपी जैसे शहर में शांति कायम करनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, सीएम शिवराज सिंह चौहान की है। क्या वो अपने काम से भाग रहे हैं? क्या वो नहीं चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सत्ता पर वो फिर से सीएम पद पर कार्यरत हों? आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।